लोकसभा चुनावों के आते ही डिपो धारकों ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि अगर सरकार डिपो धारकों की मांगों को नहीं मानती है तो सभी प्रदेश डिपो धारक चुनावों में अपनी सहभागिता नहीं निभाएंगे। डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि पिछले कांग्रेस सरकार ने डिपो धारकों की मांगों को अनदेखा किया था, जिससे कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। अगर अब प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भी मांगों को नहीं मानती है तो प्रदेश सरकार को लोकसभा चुनावों में हार का मुंह देखना मिल सकता है। विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे तो प्रदेश डिपो संचालक समिति ने पूरे प्रदेश में भाजपा का साथ दिया था। वो इसलिए कि हमें कांग्रेस राज में प्रताड़ित किया गया, कांग्रेस ने हमारी जो मांगें थी उनके ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, तो हमने इसी वजह से जो है वो भाजपा का विधानसभा चुनावों में साथ दिया था। लेकिन भाजपा की सरकार को बने भी लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है, हमने कई बार अपनी मांगों से अवगत कराया लेकिन ये सरकार भी अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई है। और अगर हमें सरकार को चाहिए कि हमें जो हमारी प्रदेश डिपो संचालक समिति के जो पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाए, हमारे से बात करें और हमें प्रॉमिस करें कि हमारी मांगों को चुनावों के लोकसभा चुनावों के बाद जो है एकदम शीघ्र जो है वो पूरा किया जाएगा, तो हम अभी भी भाजपा का साथ देने को तैयार हैं।